जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्जाम का तनाव कहते हैं, वो एग्जाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है। उस बनने के लिए ये एग्जाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। अगर मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्जाम की सफलता का टेंशन नहीं है, आपने खुद को एक करियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। और मैं अपने जीवन के लिए हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी बनने के सपने न पालें। बनने के सपनों में हर पल निराशा की संभावना रहती है कि हमने ये बनना चाहा, नहीं बन पाए तो जैसे जीवन जी विफल। लेकिन अगर कुछ करने के सपने देखें तो जो भी करेंगे उसे अच्छा करने का मन करेगा। और इसलिए जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। अगर कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे, कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे तो आपको कभी भी ये एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक खिड़की है, एक दरवाजा है जो आगे जाने के लिए रास्ता खोल रहा है। लेकिन आगे जाकर के एक ही रास्ता नहीं है, ढेर सारे रास्ते, अनेक क्षेत्र हैं। पूरा विश्व मेरे सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर ये मिजाज रहा तो मुझे विश्वास है कि आपको इसका तनाव कोई नहीं रहेगा। मैं फिर एक बार हिम्मत के साथ देनी चाहिए, एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए, खुद को कसते रहना चाहिए। जिंदगी में अगर एकाध एंट्रेंस रेस में रह गए तो क्या हुआ, लाखों लोग देते हैं, कुछ लोग रह जाएंगे, तो इतना बड़ा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। हमने डर के कारण पैर न रखे, इससे बुरा कोई अवस्था नहीं है। हमारी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे, दूसरी बार करेंगे। ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है। 24 साल तक हो गया, 25 साल तक हो गया, विद्यार्थी ऐसा नहीं है। जीवन भर भीतर के विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए। कभी भी 80 साल की उम्र में भी विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जिंदगी जीने का यही उत्तम मार्ग है, नया नया सीखना, नया नया जानना, नया नया पहचानना।